ધોરણ 9 વિષય હિન્દી આજનું આપણું કાવ્ય છે 4 કર્ણકા જીવન દર્શન। કર્ણ કો તો હમ સબ ભલી ભાતિ જાણતે હૈ। કર્ણ થા વો સૂર્ય સે ઉત્પન્ન હુઆ કુંતી કા પુત્ર થા। कुंती का वो ज्येष्ठ पुत्र था। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था तब सूर्य भगवान के वरदान से कर्ण का उत्पत्ति हुई थी। जब कर्ण का जन्म हुआ था तब उसने कवच और कुंडल पहना हुआ था। उसको ऐसा वरदान था कि जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल धारण हो तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। दुनिया के डर से कुंती माता ने उसको पानी में बहा दिया था। उसका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ था, इसलिए वो शूद्र कहलाता। जब वह बड़ा हुआ तो वो इतना धन कमाता था जो सब वो दान दे देता था। उसका व्रत था, नियम था उसके जीवन का कि वो सुबह जो उसके घर आता था कुछ मांगने के लिए उसको वो दे देता था। किसी को वो खाली हाथ पाछा नहीं भेजता था। इसलिए धीरे धीरे वो दानवीर कहलाने लगा। क्यों? कि उसके पास जो कोई कुछ भी मांगने आता तो उसको वो निराश नहीं करता था, इसलिए वो एक दानवीर के नाम से जाना गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी मित्रता दुर्योधन के साथ हुई थी, तो उसने सब कोई ने उसको ठुकराया था, पर दुर्योधन ने उसको मित्र बनाया था, इसलिए वह दुर्योधन को अपना सर्वस्व मानता था। हम सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था महाभारत का। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसको एक प्रयोजन दिया था कि तुम हमारे सैन्य में आ जाओ, मैं तुमको राजपाट दूंगा, ऐसी कई लालचें उसको दी थी। पर कर्ण छे उस सबको ठुकराता है। क्यों? कि उसका प्रण था, नियम था कि जिस मित्र ने उसको अपना मित्र कहा था उस मित्र अब संकट में था, तो उसकी मदद करना उसका पहला कर्तव्य था। इसलिए वह श्री कृष्ण को मना कर देता है और वो कहता है कि धन दौलत है वो कितने समय तक है। धन दौलत थोड़े दिन के लिए हंसी खुशी, थोड़े दिन के लिए चमक दमक, कि उसके साथ क्या आता है, तो उसके साथ आता है ढेर सारी चिंताएं। तो ऐसा धन को क्या करता है, क्या करना है, मुझको ऐसा धन नहीं चाहिए, इसलिए वह श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बाद में वो कहता है अपने आप को वह गरुड़ के समान मानता है। गरुड़ कहता है कैसा है, तो गरुड़ छे उसको कोई धन दौलत का लालच नहीं है, वो तो पहाड़ों की फटी दरारों में रहता है, तो मैं भी ऐसा हूं कि कोई भी जगह हो मुझे महलों का कोई शौक नहीं है। महलों में कौन रहते हैं, तो
कि महलों में तो कबूतर कबूतरों का घर होता है, पिंजन है कबूतर, उसका घर होता है। गरुड़ कभी भी महलों में नहीं रहता, सोने के पलंग में नहीं सोता, तो मैं तो गरुड़ के समान हूँ, मेरे लिए तो ये सब तुच्छ है। मैं क्या चाहता हूँ? तो कि मेरा जो ये प्राण है, जो मैं दान करता हूँ, उसकी नदी सरिता कायम मेरे हाथ से करतल से बहती रहे। मारो जो नियम है वो कभी बंद न हो, ऐसा चाहता है। जो आदमी बहुत मुश्किलों में से गुजरता हो, झंझावात से गुजरता हो, वही आदमी कहलाता है। वो एक महान आदमी कहलाता है। आज मेरे मित्र दुर्योधन पर विपद आई है, मुश्किली आई है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? फणिबंध साप छे कि जे उसका बंधन गरुड़ के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। तो मेरा मित्र आज ऐसी मुश्किली में है, तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ? इसके लिए मेरे प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो मैं कर दूंगा, ऐसा कर्ण कहते हैं। इतना हमारे काव्य में है, आगे थोड़ा ज़्यादा मैं तुमको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कर्ण ने कवच और कुंडल पहना था। तो कृष्ण है वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास जाते हैं, उसका कवच और कुंडल मांगने के लिए। तो क्या होता है, कर्ण के पास वो कवच और कुंडल मांगते, कर्ण को मालूम हो जाता है कि मैं ये दूंगा तो मेरी मृत्यु चौकस हो जाएगी। पर उसका जो नियम था, उसका जो प्रण था कि मेरे आंगन से कोई भी खाली हाथ पाच वापस नहीं जाएगा, तो उसने कोई पण विचार किए बिना अपना कवच और कुंडल श्री कृष्ण को दे देता है और समझता है कि दूसरा कोई नहीं, खुद स्वयं कृष्ण भगवान ही मेरे घर मांगने आए हैं। ऐसा महान दानवीर कर्ण है कि जो अपने प्राणों की भी बलिदान देकर अपने मित्र की सहायता की है। तो अब सब अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए, काव्य का नाम है जीवन, कर्ण का जीवन दर्शन। उसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उसका जन्म 1908 और निधन 1974 में हुआ था। उसका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता थी अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं के खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति ओझे, उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उसने कौन से कार्य ग्रंथ लिखे थे?
उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, उनका रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अदाकमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। अजनल, ऋष्वर, मिट्टी की ओर आदि उसकी प्रमुख गद्य रचनाएं है। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। इस खंडकांड में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंडकाव्य है। ये एक खंडकाव्य है। सारे अन्यायों को सोक कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषाजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर नहीं छोड़ना चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते इस कथा प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश किया गया। श्री कृष्ण भगवान कर्ण को अपने पक्ष में, इसलिए कि पांडवों के पक्ष में लेने के लिए जो प्रयोजन देता है वो इस काव्य में है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ कि केवल दानकी देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। क्या कहता है, कौन कहता है? कर्ण कहता है कि मुझे कोई वैभव दौलत धन दौलत की मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं पाना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी भी कोई परवाह नहीं है, मेरा क्या होगा, इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, बस इतना ही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ कि मेरे हाथ से जो दान होता है, हर रोज मेरा जो प्राण है, नियम है, वो जिंदगी से कभी बंद न हो। वैभव लेके धन दौलत, विलास ले सुख भोग, जीवन में आने वाले सुख, चाह एटले के इच्छा, परवा एटले चिंता, निर्मल एटले पवित्र, करतल एटले हथेले, निर्धन एटले कंगाल गरीब। शू कहे छे, धन दौलतनी मने कोई चाहना नथी, मने मारी कोई परवा नथी, पर मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे हाथ से दान की देवी सरिता निर्मल कायम झरती रहे। मारू जे व्रत नियम छे कि हर सुबह से शाम तक दान करने का जो मेरा नियम है वह कभी बंद न हो। अने जे गरीब लोको छे, जे निर्धन लोको छे, उसकी मैं हर रोज मदद करूँ अने ये लोगों ने कुछ सुख दे सकूँ, ऐसा मेरा इच्छा है। तुझे राज्य क्या है केशव, धन दौलत तो कुछ तुच्छ है। केशव शब्द श्री कृष्ण के लिए कहा गया। तो कि आज धन दौलत छे ने, ये तो मेरे लिए तुच्छ है। तमे जे मने आ राज्य आपवानुं, जे प्रलोभन दिया है, लालच दी है, वो तो मेरे लिए तुच्छ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव एटले धन। तो के धन को प्राप्त करीने मनुष्य क्या करता है? चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण
विलास। ढेर सारी चिंताएं, आ एक प्रश्न है, सब याद रखना, सविस्तार है। धन दौलत से मनुष्य को क्या मिलता है? ढेर सारी चिंता है, थोड़े समय के लिए हंसी मजाक, चमक दमक दिखाने का मौका, लक्षण वार भोग विलास, सुख भोग, इतना ही मनुष्य को मिलता है। पर वह भी यही गंवाना है। जे कुछ अपन को मिलता है, सुख, धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब हमको यहीं छोड़कर जाना है। जिस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, उस समय सब कुछ हम यहाँ ही छोड़ के जाते हैं, तो उसके लिए हम क्यों लालच करें? कुछ साथ नहीं ले जाना है। जब हमारी मृत्यु होती है, तब हम उसमें से कुछ साथ नहीं ले जा सकते, तो क्यों उसके लिए हम चिंता करें, क्यों उसकी लालच करें, क्यों ज्यादा कमाने की हम चाह रखें? मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कौन कहता है? कर्ण कहता है, मुझसे मनुष्य जो होता है, कंचन का भार न धोता है। कंचन એટલે કે સોનું, કે મારા જેવો જે મનુષ્ય છે, એ કોઈ દિવસ ધનનો આગ્રહ કે ધન મેળવવાની લાલસા રાખતો નથી, કે રાજા બની અને એનો જે કારભાર છે એ સંભાળવાની ચિંતા પોતે રાખતો નથી। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। अपने जे धन एकठू करी छी, भेगू करी छी, ईशा माटे करे छे, तो के ई तो हूँ बीजाने माटे लूटावा माटे, के बीजाने मददरूप थवा माटे तेनु धन भेगू करू छू। कोण के छे? कोरोण के छे। लाता है रतन लूटाने को, कीमती रत्न छे ने ई पण बीजाने दान देवा माटे थईने ज ભેગા કરું છું। મારે કોઈ એવી ધન દોલતની લાલચ નથી, મારે કાંઈ પૈસા ન જોતા, પણ હું તો બીજાને મદદરૂપ થઈ શકું એટલા માટે જ આને ભેગું કરું છું। જગસે ને કભી કુછ લેતે હે, જો હમ દૂસરો કો કુછ દેતે હે, બદલે મેં કુછ લેને કી લાલચ હોતી હે, પણ કર્ણ કૈસા હૈ કે વહ કુછ દેતા તો બદલે મેં કુછ લેને કી લાલચ નહીં હૈ એનામાં। દાન હી હૃદય કા દેતા હૈ, જો જરૂર પડે તો પોતાના હૃદયનું દાન પણ એ કૃષ્ણ બીજાને આપી દે છે। એટલે કે પોતાના જીવનનું બલિદાન પણ પોતે આપતા અચકાતો નથી। પોતે ધન તો એકઠું કરે છે, પણ બીજાને દાન દેવા માટે, રત્ન એકઠા કરે છે તે બીજાને માટે લૂંટાવા માટે કે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે, પણ બદલામાં એને પોતાને કોઈ લાલચ છે નહીં। જરૂર પડે તો પોતાનું હૃદયનું દાન પણ પોતે આપી દે છે। પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર, પ્રાસાદ એટલે મહેલો, રાજાનો કે સંતોના જે મકાનો હોય એને મહેલ કહેવાય। પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર, હોતે કબૂતરો કબૂતરો કે ઈ ઘર, શિખર એટલે ટોચ, જે રાજમહેલના જે શિખરો હોય ને, જે ટોચ હોય ને, એ સોનાની હોય છે, તો અહીંયા કોણ રહે છે? કબૂતર મારા બાંધે છે। એવી જે જગ્યા હોય કે જ્યાં કોઈ આવતું જતું ન હોય, એવી જગ્યાએ કબૂતર પોતાના માળા બાંધે છે, તો મહેલના જે ટોચ છે એ પણ સોનાની છે, તો શું અહીંયા મનુષ્ય રહે છે? ના, અહીંયા તો કબૂતર માળા બાંધે છે। મહેલો મેં ગરુડ ના હોતા હે, કંચન પર કભી ન સોતા હે। મહેલની અંદર ગરુડ નામનું પક્ષી કોઈ દિવસ રહે નહીં। ગરુડ છે એ બધા પક્ષીઓમાં
सर्वश्रेष्ठ छे। तो के गरुड छे ई कोई दिवस महल में रहेवानुं पसंद नथी करतो, एने मद सुखवारुं जीवन नथी होतुं। कंचन पर न सोते, कंचन ना એટલે સોનાના પલંગમાં કોઈ દિવસ સોતા નથી, કોણ? ગરુડ। બસતા વ કહી પહાડો મે, સહેલો કી ફટી દરારો મે, ક્યાં રહીએ છે? તો કે પર્વતની વચ્ચે જે તળ હોય એના દરારમાં, એટલે કે તળની અંદર ઈ રહે છે। ક્યાંક કે જે કબૂતર છે એ રાજમહેલના ટોચ ઉપર રહે છે, પણ ગરુડ છે એ પર્વતની તળાળોમાં રહે છે। તો આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે કર્ણનું જીવન કેવું હતું, કે એ પોતાને એક ગરુડ સમાન ગણાવે છે। તો હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે કાવ્ય આગળ સમજીશું। આભાર।